खबरों में बात करते हैं जनपद उन्नाव की, जहां पर बीते कुछ सालों में गंगा मैया की निर्मल धारा को दूषित करते हुए गंगा मैया का सीना छलनी करने का काम जोरों पर चल रहा है। आपको बताते चले कि खनन माफियाओं ने अब कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ने की कसम खाई है। गंगा कटरी की धारा में सैकड़ों किसानों की रोजी रोटी बसी हुई है, जिस पर खनन माफियाओं ने बुलडोजर और जेसीबी की मशीन चलाकर नष्ट व नाबूद कर दिया। पोल में पोल थोड़ी ना छुपता है, अब ये तो ढोल बना रहे हैं ये लोग। ये सोच रहे हैं कि हमारा फिर से खनन चालू हो जाए, इसलिए ये लोग अपना तुपवाने की कोशिश कर रहे हैं। खनन माफियाओं के द्वारा ये सब कार्य हो रहा है और इसलिए बड़े बड़े गड्ढे हो जा रहे हैं। मेला भी नहीं लग पा रहा है, ना ही शुद्ध शमशान घाट की रास्ताएं हैं, ना ही मेला की रास्ताएं हैं। यहाँ वर्ष में कितने मेला लगते हैं? यहाँ मेले लगते हैं वर्ष में, महीने में 2 मेले लगते हैं, वर्ष में हो गए 24 मेले। कई बड़े लगते हैं यहाँ पे, कार्तिक पूर्णिमा लगती है और ये भोलों का कांवरियों का मेला चलता है। यहाँ करीबन 15 दिन कांवरियों का मेला चलता है, उसमें सारे रास्ताएं खराब हो जाएंगे खनन की वजह से। सब यहाँ पीड़ित है जनता, क्या हर अधिक